भाई जेस्टर मोड में मिलो और गाड़ियों भी जाता है, बट टाटा सफारी और हैरियर में जितना फास्ट करते देखा ना मैंने, ना वॉल्वो में देखा ना लीजेंडर वगैरह में। देखो की साथ होनी चाहिए, चाहे गाड़ी आपका लॉक है, सिर्फ एक मोशन आपको घूमना और यहाँ आपका बूट गेट ओपन हो जाएगा सिंगल लेग मोशन पे। भाई कैमरा क्वालिटी तो कहनी पड़ेगी, जैसा इंडिकेटर दूंगा देखो लेफ्ट का देख लो आप, जो 360 डिग्री के लिए कैमरे दिए हुए, लेफ्ट भी देख सकते हो, टायर तक देख सकते हो आप यहाँ से, कोई चीज छिपने वाली नहीं है आपसे। वहीं जब आप राइट में इंडिकेटर दोगे, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर भी है इसके ORBMs में, और ये देखो राइट का व्यू भी देख लो, कैमरा क्वालिटी देखो कितनी। हेलो भाई, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर कार देख रहे हैं हम, टाटा हैरियर। ये डार्क एडिशन है, फेयरलेस प्लस टॉप ऑफ द लाइन में डार्क एडिशन, मैनुअल ट्रांसमिशन आप देख रहे हो, 25,04,000 एक्सोरूम प्राइस आ जाते हैं इसके हरियाणा फरीदाबाद के अंदर। अच्छा, टाटा सफारी और हैरियर दोनों ग्लोबल एंड कैप पे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आई है क्रैश टेस्ट के अंदर, जहां पे हम सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं। वहीं मैं बात करूं, जैसा आप डार्क एडिशन देख रहे हैं, फेयरलेस प्लस देख रहे हैं, टॉप ऑफ द लाइन, और ये मैनुअल ट्रांसमिशन में, मैनुअल ट्रांसमिशन में फर्स्ट इन सेगमेंट ये टाटा सफारी और हैरियर के अंदर ये आपको मिल रहा है, कि अडास मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर भी आपको अडास देखने के लिए मिल रहा है। इससे पहले मैनुअल ट्रांसमिशन में किसी के अंदर भी हमें अडास अभी तक नहीं मिला, जितने भी मिलेंगे आपको AMT DCT और ऑटो के अंदर ही अडास देखने के लिए मिलेगा। इसमें अडास 2 मिल जाता है हमें, 360 डिग्री व्यू कैमरा मिल जाता है, 360 डिग्री फ्रंट पार्किंग सेंसर वगैरह मिल जाते हैं। डार्क एडिशन में टॉप ऑफ द लाइन में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ आपको लेन असिस्ट वगैरह के लिए सेंसर मिल जाएगा, लेन डिपार्चर वगैरह के लिए, यहाँ पे आपको वाइपर्स मिल जाएंगे कुछ इस तरह से, बोनट भी आएगा, ग्रिल इसकी ब्लैक है, बेड ब्लैक में टाटा का लोगो, यहाँ आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं फ्रंट में, इसके 4 करे हुए हैं, नहीं 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे हुए हैं। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक में मिल जाएगी, यहाँ अडास सूट दिया हुआ इस जगह पे आपका, यहाँ पे आपके LED बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं आपको, नीचे आइस क्यूब में फॉग लैम्प मिलेंगे, ये भी LED बेस है, हेडलैम्प सेटअप भी आपको LED बेस मिलेगा, प्रोजेक्टर LED बेस प्रोजेक्टर मिलेगा, और जो फॉग लैम्प है वो भी आपको LED बेस मिलेंगे। यहाँ पे सी थ्रू पास मिल जाएगा, ये जो देख रहे होगे आप, ये आप अगर आप पास होने के लिए इसे सी थ्रू पास बोलते हैं, और गाड़ी आप फ्रंट से देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी चाबी की, चाबी दिखा दूं पहले आपको, तो यहाँ कुछ इस तरह की चाबी है इसमें, ये लॉक अनलॉक, ये लाइट के लिए, ये आपका बूट गेट के लिए, पहले लाइट जला के दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए कुछ इस तरह से, इसमें LED बेस प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑन हो जाएंगे, पूरा DRL का पार्ट मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए आपको, ये पूरे DRL से और LED बेस प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसमें मिलेंगे। ये सर्चिंग के लिए होता जाता है, कहीं गाड़ी आपने पार्क करी है नहीं मिल रही तो लाइट्स वगैरह आप ऑन कर सकते हैं। जब गाड़ी अनलॉक करेंगे तो इस तरह से पहले इंडिकेटर्स ऑन होंगे, ORBM आपके अनफोल्ड हो जाएंगे। वहीं जब आप गाड़ी लॉक करते हैं तो इस तरह से DRLs ऑन होंगे, और देखिए किस तरह से एनिमेशंस चलेंगी, तो ये आपका ऑन ऑफ का फीचर आपको इसमें मिल जाता है। अब आ जाते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे, यहाँ इसमें काफ़ी अपडेशन हुई है, जैसे 19 इंची टायर आ चुका है इसमें, बिल्कुल डार्क ब्लैक आपको अलॉयज मिलेंगे इसके, क्लैडिंग का पार्ट सराउंडिंग मिलेगा, यहाँ डार्क की मार्किंग है, ब्लैक अलॉयज, फ्रंट और रियर दोनों ही डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे यहाँ पे हमें। टायर साइज की बात कर लें तो यहाँ 245/55/19 का टायर साइज है, 19 इंची अलॉयज इसमें मिल रहे हैं। यहाँ भी हैरियर की बैजिंग मिल जाएगी, इस डोर पे भी और उस डोर पे भी। ORBM आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल रिएक्टर मिलेंगे विद इंडिकेटर, यहाँ पे एक कैमरा है, इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर भी मिल जाएगा, टॉप ऑफ द लाइन में ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर भी मिलता है। ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर है, बॉडी कलर डोर हैंडल्स है, ABC सारे पिलर ब्लैक है, कोई बॉडी कलर भी इसका ब्लैक है। यहाँ रूफ रेल्स मिल जाते हैं, पैनारोमिक सनरूफ मिल जाएगा, फूल वगैरह पड़े हुए हैं, गाड़ी बाहर खड़ी थी, बाकी ब्लैक में मट्टी थोड़ी जल्दी आती है। यहाँ पे आपका शार्क फिन एंटीना, यहाँ बैजिंग मिल जाती है आपको 50 लाख कार सेल की। इस साइड आपका फ्यूल लेज है, अगर गाड़ी लॉक है तो नहीं खुलेगा, अगर हम गाड़ी अनलॉक कर देते हैं और इसे प्रेस करेंगे तो फ्यूल लेड हमारा ऑन हो जाएगा डीजल के लिए। अब आ जाते हैं गाड़ी के रियर लुक पे, रियर लुक पे भी एक बार आपको लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलेंगे, LED बेस कनेक्टेड टेल लैंप्स है, नीचे यहाँ पे स्टॉप लैंप दिए हुए हैं बम्पर के अंदर, इस पीछे भी 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट है, ये पोर्शन ब्लैक मिलेगा, ग्लोसी ब्लैक में दिया हुआ है, स्पेयर व्हील नीचे मिलेगा इसमें, हैरियर की बैजिंग, यहाँ रिवर्स पार्किंग कैमरा, टाटा का लोगो, रियर वाइपर, डीफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और वॉशर भी है इसके साथ।
यहाँ पे एक टाइगर और दो बच्चे बने मिल जाएंगे। ब्लैक स्पॉइलर है, शार्क फिन एंटीना। इस साइड से भी आप गाड़ी का लुक देख सकते हैं, साइड प्रोफाइल लुक। तो यहाँ मैं दिखा दूँ आपको, को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर है और हैरियर की बैजिंग। यहाँ डोर ओपन कर लेंगे हम, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है को ड्राइवर साइड भी। इस साइड भी आपको को ड्राइवर साइड भी वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी और इलेक्ट्रिकल एडजस्ट मिलेगा को ड्राइवर साइड भी। अब चलते हैं ड्राइवर साइड पे। तो भाई ये तो हो चुका पूरा गाड़ी का एक्सटीरियर, अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। की तो मैं दिखा चुका आपको, स्मार्ट की मिल जाती है कुछ इस तरह की। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर है यहाँ पे। ब्लैक में पूरा ही जेड ब्लैक इंटीरियर मिलेगा हमें, बट यहाँ थोड़े स्टिचेस टाइप आपको फैब्रिक देखने के लिए मिल जाएगा, सॉफ्ट टच। ड्राइवर टीम आर्मरेस्ट भी सॉफ्ट टच में है यहाँ पे। डोर ओपनर, लॉक अनलॉक का ये दोनों गार्निश में दिए हुए हैं। यहाँ पे ORBM कंट्रोल यूनिट है। डोर एक्सेस हैंडल, ये जो इसका कहते हैं ना ग्रिप है, ये अलग से सेम उसी पार्ट में दी हुई है जो ड्राइवर डोर पैनल का है। ये ग्लोसी ब्लैक मिलेगा। चारों पावर विंडो है, ये चाइल्ड लॉक के लिए। नीचे पेडल लाइट मिल जाएगी। स्पीकर, टोटल 10 स्पीकर्स मिल जाते हैं इसमें। वाटर बॉटल स्पेस। यहाँ मेमोरेबल सीट मिली है आपको, 3 लोगों के हिसाब से सेट कर सकते हो, वेंटिलेटेड और इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ। यहाँ पे आर्टिफिशियल लेदर दिया हुआ है। कॉर्निंग एयर बैग्स हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, यहाँ पे आपको नी एयर बैग भी मिल जाता है इसके अंदर बोनट खोलने के लिए। डेड पैंडल नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक नहीं है, शायद इस वजह से ना हो इसमें। यहाँ थोड़ा सॉफ्ट टच मिलेगा, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और यहाँ भी थोड़ा ब्लैक ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा, ग्लोसी ब्लैक। यहाँ AC वेंट। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। भाई अब आ चुका हूँ मैं टाटा हैरियर डार्क एडिशन गाड़ी के अंदर। यहाँ स्टीयरिंग देख लो भाई, इल्यूमिनेटेड आपको टाटा का लोगो मिलेगा। ऑन करके दिखाऊंगा बट पहले स्टीयरिंग देख लेते हैं, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट क्या मिल जाती है। यहाँ स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है, स्टीयरिंग आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये तो हो चुकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग दिखा देता हूँ। लेदर रैप स्टीयरिंग है, यहाँ ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट मिल जाएगा इस जगह पे। फोर स्पोक में स्टीयरिंग है, ये आपका हॉर्न। यहाँ पे कंट्रोल से पहले मुझे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन एसेसरीज मोड पे डालना होगा। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देख लो आप किस तरीके से इसका ऑन होता है। कुछ इस तरह से टाटा मोटर्स आएगा लिखा हुआ पहले, और फिर आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो जाएगा, जो कि पूरा ही आपका इन्होंने डिजिटल कर दिया है। पूरा जो पैनल है पूरी MID कर दिया है इन्होंने, डिजिटल मीटर मिलेगा पूरा। तो स्टीयरिंग पे तो हम स्टीयरिंग, यहाँ टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो मिल जाता है। यहाँ क्रूज कंट्रोल और लेन असिस्ट वगैरह के फीचर्स मिल जाते हैं आपको इस जगह पे देखने के लिए। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। एयरबैग की बात करूं, टोटल 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं इसमें। नी एयरबैग मिल जाता है ड्राइवर साइड पे। यहाँ पे आपका मैनुअल हेडलैम्प कंट्रोल्स है, यहाँ पे आपके ऑटो वाइपर कंट्रोल्स है, रेन सेंसरिंग वाइपर्स मिल जाते हैं इसमें हमें, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह का मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें एयरबैग की नोटिफिकेशन वगैरह भी आ जाएगी देखने के लिए, बट वो तो कोई मिस हैपनिंग पाएगी। यहाँ सीट बेल्ट की आ रही है, जैसे सीट बेल्ट मैंने नहीं लगाई हुई तो लाल हुआ पड़ा, जैसे मैं इसे लगा दूंगा तो ये पॉप अप हट जाएगा। यहाँ पे ड्राइवर असिस्ट का फीचर आ रहा है, डिस्टेंस MT किलोमीटर आ रहे हैं, और यहाँ आपके RPMs होंगे ऊपर, इसी में ये किलोमीटर आएंगे और यहाँ पे आपके RPMs। ऊपर टाइम वगैरह भी आ रहा है। सिटी मोड पे गाड़ी लगी हुई है तो यहाँ पे सिटी लिखा हुआ है। इंजन, यहाँ पे फ्यूल गेज है, इधर इंजन टेम्परेचर गेज दिया हुआ है। इग्निशन ऑन है तो यहाँ पे इग्निशन का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। डीजल एग्जॉस्ट फ्लूड का भी यहाँ पे लेबल आप देख सकते हैं इस जगह पे, और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले अगर आपका कनेक्ट होगा तो यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इंस्टेंट ट्रिप वगैरह देख सकते हैं आप, ड्राइवर असिस्ट आ गया, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूड आ गया, यहाँ कनेक्ट एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एंटर डेस्टिनेशन टू व्यू मैप। तो यहाँ पे व्यू भी देख सकते हैं आप मैप का, और यहाँ पे आपका एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो का तो उसका पॉपअप भी आपको यहाँ पे आएगा। ये ऊपर आपका डायरेक्शन आपको बता रहा, जहां साउथ लिखा हुआ है, एस बना हुआ है जिस जगह पे। यहाँ पे JBL का ट्विटर मिल जाता है, कॉर्निंग एयरबैग्स, ए पिलर में एयरबैग, कॉर्निंग एयरबैग्स बोल गया मैं, सॉरी, JBL के ट्विटर्स मिलते हैं ए पिलर में। यहाँ सबवूफर मिल जाता है, टोटल 10 स्पीकर्स मिलते हैं इसमें हमें। पॉपअप डिस्प्ले मिल जाती है, तकरीबन 12 इंच की डिस्प्ले होगी, कम से कम 12 इंच की डिस्प्ले है इसमें। आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्ट हो जाएगा आपका। मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे ऑडियो क्वालिटी के लिए इसकी डाल दूंगा। एयर क्वालिटी वेरी पुअर क्योंकि इतना पॉल्यूशन हुआ पड़ा है बाहर, तो उसको लेकर देखो, ये जो आप फॉग देख रहे हो, फॉग नहीं है, ये सारा धुआं है यहाँ पे। बाकी एयर क्वालिटी ये दिखा रहा है इस जगह पे, और
इसमें हमें जो म्यूजिक सिस्टम की बात कर रहा था मैं, यहाँ पे तो मैं कोई गाना चला नहीं सकता, कॉपीराइट आ जाएगा। आप इंस्टाग्राम का लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके इसकी म्यूजिक क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ये आपका कुछ इस तरह से पॉपअप डिस्प्ले है, यहाँ भी थोड़ा आपको 3D जैसा लुक देखने के लिए मिल जाएगा। ये पूरा पैनल टच में मिलता है, जिसमें आपका फॉग लैंप्स के लिए, ये हजार्ड लाइट के लिए, बूट गेट खोलने के लिए, लॉक अनलॉक के लिए, 360 डिग्री व्यू आप यहां से प्रेस करके इस तरीके से देख सकते हैं। कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। और इसमें एक फीचर और बताऊंगा आपको, जैसे ये तो चलो 360 डिग्री हो गया, जैसे हम इंडिकेटर देंगे इस तरीके से, तो यहाँ आप व्यू देख सकते हैं लेफ्ट साइड का, और व्यू की क्लियरिटी देखिए कितनी क्लियर व्यू है। वहीं आप राइट साइड का देंगे तो इस पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे अंकल खड़े हुए हैं मेरे पास, एक गार्ड अंकल खड़े हुए हैं वहां पे, तो ये देखिए दो आदमी यहाँ पे इसमें आ रहे हैं। इंडिकेटर बंद कर देते हैं और 360 डिग्री व्यू दोबारा दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस तरह से 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं आप, 3D 2D दोनों तरीके से यहाँ आप देख सकते हो, और इसमें भी आपको आदमी दिख रहे होंगे दोनों खड़े हुए। नीचे आएंगे दो AC वेंट, तो मैं आपको दिखा चुका हूं यहाँ पे ये पूरा, और ये आपका टेम्परेचर डुअल जोन टेम्परेचर कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ ड्राइवर को ड्राइवर कर सकते हैं अपना। ये फैन स्पीड पूरा टच में पैनल मिलेगा, इसकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी, जो म्यूजिक सिस्टम है कि आपका यहाँ ये प्रेस करके रखेंगे तो शायद ये ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो गया, प्रेस करके रखना होगा। यहाँ पे ये AC मोड्स के लिए, ये रियर फ्रंट डिफॉगर के लिए, यहाँ पे भी AC मोड्स दिए हुए हैं, यहाँ सिंक के लिए, AC ऑटो के लिए। ये एम्बियंट लाइटिंग ड्राइविंग मोड के अकॉर्डिंग चेंज होगी, जो एम्बियंट लाइटिंग मिलती है, जैसे ब्लू है सिटी पे है तो ब्लू रहेगा, हम स्पोर्ट्स पे लगा देंगे तो स्पोर्ट्स पे ये रेड हो जाती है जब गाड़ी स्टार्ट होगी, बट अभी गाड़ी एक जगह पर स्टेबल है, खड़ी हुई है, तो ये ब्लू नहीं हुआ। वहीं मैं इसे बंद करूंगा, सिटी पे ये ब्लू रहेगी, इको पे ग्रीन हो जाएगी, इको पे ग्रीन, स्पोर्ट्स पे रेड और सिटी पे ब्लू, वो आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो बनाई हुई है उसकी। यहाँ पे आपको एक MID मिल जाएगी, जिसमें अभी नॉर्मल है, तो नॉर्मल मोड दिखा रहा है MID के अंदर। यहाँ से आप चेंज करेंगे तो ये वेट मोड, यहाँ पे भी वेट मोड की आपको पॉपअप देखने के लिए मिलेगा जब आप इसे ऑन करेंगे। पता नहीं यार आजकल फोकस करने में प्रॉब्लम आ रही है इसमें फोन में। और यहाँ जब आप इसे रफ रोड करेंगे तो ये आपको वॉइस कमांड भी देगा, वॉइस नोटिफिकेशन भी आएगी और यहाँ भी आ जाएगा। ये ज्वेल्ड में पूरा दिया हुआ है, जो ट्यूनर इस जगह पे दिया हुआ है। यहाँ पे USB है Activated. एक टाइप सी मिल जाता है 45 वॉट का, वायरलेस चार्जर है यहाँ पे। यहाँ पे आपका इको मोड, यहाँ स्पोर्ट्स मोड, और ये आपका हिल डिसेंट कंट्रोल के कंट्रोल्स यहाँ मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। इस जगह पे इको मोड, स्पोर्ट्स मोड और हिल डिसेंट। मैनुअल ट्रांसमिशन है, कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक्स, ऑटो होल्ड का फीचर मिल जाएगा, 2 कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट आपको विद स्पेस मिलेगा, कूल्ड स्पेस है, 12 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा, USB टाइप सी मिल जाएगा एक। यहाँ पे ग्लोब बॉक्स मिलेगा आपको विद लाइट, और ये वाला पोर्शन आप इसका रिमूव भी कर सकते हैं, लाइट दी हुई है इसमें, और ये आप यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लगा कर सकते हैं। अब चलते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ आपके ऑटो डिमिंग IRBMs मिल जाएंगी, जैसे ऑन ऑफ का फीचर मिल जाएगा IRBMs पे आपको। ये यहाँ पे आपका ड्राइवर असिस्ट वगैरह के वो लगे हुए सेंसर्स वगैरह, ये वो पार्ट है जो बाहर से आपको मैंने दिखाया था। तो ऑटो डिमिंग यहाँ पे IRBM है, ड्राइव असिस्ट वाले जो सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे एडास सूट वगैरह के लिए। यहाँ पे आपका एयरबैग की पॉपअप मिलेंगे, नोटिफिकेशंस मिलेगी, पॉपअप नहीं, लाइट्स दी हुई हैं एयरबैग की ऑन ऑफ की। माइक, यहाँ 2 रीडिंग लाइट्स हैं, वाइट रीडिंग लाइट दी हुई है दोनों तरफ 2, और ये आप अपने अकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे SOS के लिए बटन है इमरजेंसी के लिए, और ये सनरूफ कंट्रोल मैंने खोला हुआ है इसका, ये और खोल के दिखा देता हूँ, सनरूफ कर्टन खोला हुआ था मैंने, काफी बड़ा सनरूफ मिल जाता भाई गाड़ी के अकॉर्डिंग हमें। ये देखो इस सेगमेंट पे इतना बड़ा एयरबैग कह रहा हूँ, सनरूफ हमें किसी गाड़ी में नहीं मिलता। यहाँ पे आपका सनवाइजर में वेंटी मिरर है विद लाइट को ड्राइवर साइड, और ड्राइवर साइड कुछ नहीं है, ये प्लेन है। सनरूफ खोल के दिखा दिया, ग्रैब हैंडल है, को ड्राइवर साइड भी, ड्राइवर साइड कोई ग्रैब हैंडल वगैरह नहीं है। बाकी ये तो हो चुका पूरा ड्राइवर फ्रंट, अब इसका सनरूफ कर देता हूँ बंद मैं, कर्टन भी आ रहा है, पहले रूफ कर देते हैं बंद, और अब चलते हैं पैसेंजर सीट्स पे। तो इसे एसेसरीज मोड कर देते हैं इसका ऑफ, गाड़ी से आ जाते हैं बाहर। तो भाई अब आ चुका हूँ मैं पैसेंजर डोर पे, डोर कर लेते हैं ओपन,
और यहाँ दिखा देता हूँ, कर्टन मिल जाते हैं हमें दोनों पैसेंजर डोर पे, दोनों साइड देखने लिए कर्टन मिल जाएंगे जो कि गर्मी में काफी यूजफुल है। यहाँ पे JBL के स्पीकर की बैजिंग दी हुई है इन्होंने, डोर ओपनर, लॉक अनलॉक का बटन, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए डोर एक्सेस हैंडल, स्पीकर मिल जाता है, वाटर बॉटल स्पेस है और नीचे भी आपको रेड कलर की लाइट मिल जाएगी, पडल लाइट। कर्टन काफी अच्छा पॉइंट लगा मुझे, गर्मियों में काफी यूजफुल होता है और इस पर पुलिस में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस चीज को लेकर। यहाँ में ऊपर एडजस्टेबल प्रो हेडरेस्ट मिल जाएंगे, डुअल हेडरेस्ट है पीछे भी और आगे भी, जो बंदा सोता है गाड़ी में पीछे, ड्राइवर अगर आपको ड्राइव कर रहा है पीछे सोना चाहते हैं तो सोने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली आप सो सकते हैं। 60-40 का कॉम्बिनेशन है इस सीट पे, आप इस तरह से सीट फोल्ड करके यहाँ से भी बूट अपना एक्सेस कर सकते हैं और थोड़ा कुछ सामान अगर इस साइड आ रहा तो वो भी आप बाहर करके थोड़ा सा बूट स्पेस एक्सटेंड कर लेंगे। यहाँ एडजस्टेबल आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर्स, एसी वेंट्स यहाँ मिलते हैं हमें हैरियर में, बी पिलर्स में। यहाँ पे USB और टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं दोनों तरफ, ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं दोनों तरफ आपको। अब आ जाते हैं इसके बूट स्पेस पे, बूट स्पेस दिखाता हूँ आपको। इसमें जेस्टर मोड मिल जाता है हमें, पहले मैं गाड़ी कर देता हूँ लॉक, गाड़ी लॉक है। जेस्टर मोड के लिए की हमारे पास होनी चाहिए, सिर्फ गाड़ी के पास जाके देखो की मेरे हाथ में, सिर्फ यहाँ इस तरह से आपको लेग मोशन करना और जेस्टर मोड से आपका बूट स्पेस ओपन हो जाएगा। भाई करोड़ों की गाड़ियों में भी एक बार में नहीं होता, बट टाटा में मैंने देख लिया, सफारी और हैरियर, सिर्फ एक बार जेस्टर मोड यूज करो, एक बार लेग मोशन करो और आपका बूट स्पेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पार्सल ट्रे है, थोड़ा स्पेस यहाँ नहीं दिया हुआ, खाली पार्सल ट्रे दी हुई है और यहाँ पे स्पीकर दिया हुआ है। बूट स्पेस देख सकते हैं आप कितना मिल जाता है हमें, पार्सल ट्रे आप अपना हैंग भी करना चाहें तो इसे हैंग कर सकते हैं, यहाँ लाइट दी हुई है, यहाँ 2 किलो तक का वेट आप हैंग कर सकते हैं इस साइड, और इसको आप यहाँ से भी डाउन कर सकते हैं और यहाँ आप इसे इस तरह से बटन प्रेस करके रखेंगे तो बूट गेट आपका बंद हो जाएगा। वहीं फीचर की बात करूँ, जैसे बूट गेट बंद कर दिया, गाड़ी लॉक थी सिर्फ बूट गेट ओपन करा था, तो ये नहीं कि बूट गेट के साथ आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, रह जाएगी, जहाँ बूट गेट बंद करा वहीं गाड़ी भी लॉक हो गई। तो भाई ये था टाटा हैरियर डार्क एडिशन का इंटीरियर एक्सटीरियर, इंजन स्पेसिफिकेशन सेम है जो मैंने आपको फेयरलेस प्लस हैरियर की बताई थी, फिर भी मैं डिस्प्ले पे डाल देता हूँ। 2 लीटर का इसमें हमें इंजन मिल जाता है, बाकी सारी स्पेसिफिकेशन आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे। टाटा हैरियर डार्क एडिशन फेयरलेस प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट बताना, वीडियो कैसी लगी कमेंट बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय। तो यहाँ जैसे बूट गेट बंद करा तो ये नहीं कि जब हमने बूट गेट ओपन करा था तो गाड़ी भी अनलॉक हो गई थी, नहीं, गाड़ी लॉक थी और बूट गेट बंद कर दिया तो गाड़ी अभी भी लॉक है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और बाकी टाटा हैरियर फेयरलेस प्लस डार्क एडिशन टॉप ऑफ द लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन अटैच सूट के साथ, इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशन सेम है फेयरलेस प्लस की जो पहले मैंने बताई थी, फिर भी मैं डिस्प्ले पर डाल देता हूँ। 2 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है इसमें। अब गाड़ी कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, कमेंट बॉक्स ओपन है, अपना ओपिनियन देके जरूर जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।